6 नवंबर 2024 वार की यदि बात करें तो बुधवार अमेरिका में क्लियर कट स्थिति हो गई है। ट्रंप की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। जनवरी के महीने में उनका शपथ ग्रहण होगा, 20 या 26 जनवरी का ऐसा होता है वहाँ पे 2025 में। तो अब वहाँ से जो रूल है अब वो ट्रंप का अमेरिका में आ चुका है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें हम बाजारों की, तो जो मार्केट पर जो असर रहा वो साफ साफ देखने को मिला। इक्विटी बाजार, टेक, आईटी सेक्टर जबरदस्त तेजी में रहे। वहीं भारतीय कमोडिटी में आज गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो अपना जिंक हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, सभी चीज़ की गिरावट देखने को मिल रही है। एग्री में भी कमोबेश गिरावट की स्थिति है। बस एक जो FCPO का जो वायदा है, पाम ऑयल का वायदा है, उसमें अच्छी खासी तेजी रही है। 111 रिंगट की तेजी देखने को मिली और 4917 रुपये रिंगट के भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। 5,000 के करीब जो पाम ऑयल का वायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थिति आज के दिन बाजारों में रही है। तो जो स्थिति है वो आगे चल के स्टेबल अमेरिका के बाजारों में रहनी चाहिए, एग्री बाजारों में। और बाजार ये मान के चल रहा है कि भाई जैसे जैसे ट्रंप आएंगे तो जो युद्ध की स्थिति जो दुनिया में बनी हुई है वो थोड़ी बहुत खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन आएगी। ऐसा बाजार का आकलन मोटा मोटी में निकल के आ रहा है। वहीं भारतीय बाजारों की बात करें तो 6775 रुपये आज जयपुर कंडीशन के बाजार आज देखने को मिले हैं, 42 कंडीशन के मील डिलीवरी के। भारतीय बाजारों में भी आज गिरावट रही है कमोबेश, कोई बड़ा कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है सरसों के बाजारों में। वहीं यदि हम बात करें खैरतल मंडी में आज 6400 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। 6625 रुपये निवई के बाजार देखने को मिले हैं। 6400 रुपये के टोंक के बाजार देखने को मिले हैं। 6500 रुपये के मालपुरा के बाजार देखने को मिल रहे हैं। 6550 रुपये 6500 की स्थिति बड़ौदा में है। 6450 रुपये की स्थिति अलवर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यदि हम सुमेरपुर और केकड़ी की बात करें तो वहाँ पर जो 42 कंडीशन की बाजार है वो 6675 रुपये 6650 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। कोटा और बारा की बात की जाए तो 6350 रुपये की स्थिति रही है। वहीं यदि हरियाणा के बाजारों का रुख करें तो हरियाणा के बाजारों में जो दादरी है, दादरी आज जो स्थिति रही है वो 6600 रुपये की रही है। भिवानी 6730 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। सिवानी में यदि बात की जाए तो 6300 रुपये की स्थिति आज के दिन 40 कंडीशन मील डिलीवरी की देखने को मिल रही है। रेवाड़ी 6450 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहे मंडी के। वहीं यदि हम आदमपुर की बात करें तो आदमपुर मंडी है जो 6950 रुपये की स्थिति आज के दिन सरसों की देखने को मिली है। तो ये स्थिति जो रही है वो कमोबेश स्टेबल ही स्थिति मानी जाएगी। सरसों के बाजारों में गिरावट स्टेबल टू डाउन साइड है। अडानी के भाव के प्लांट के भाव की बात की जाए तो बूंदी 6725 रुपये रही है, अलवर 6850 बूंदी 6775 रुपये रही है, अलवर 6825 के बाजार देखने को मिले। यदि हम गोयल कोटा के बाजारों की बात करें तो गोयल कोटा की स्थिति 6600 रुपये की रही है। वहीं सलोनी प्लांट के भाव की बात की जाए तो अलवर और कोटा 7420 रुपये हैं। शमशाबाद, दिगनेर, मुरैना 7520 रुपये की स्थिति आज के दिन देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति आज के दिन बाजारों में रही है, जहां स्थिति डाउन साइड ही देखने को मिली है। पर विदेशी बाजार तेज थे, इसके चलते आगे चल के एक अपसाइड भारतीय बाजारों में आ सकते हैं, क्योंकि पाम ऑयल के वायदा में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।